नमस्कार, मैं हूं सुदफ खान। आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं ये खास खबर। गुरुकुल विद्या मंदिर टीकावली फरीदाबाद के प्रिंसिपल गुलशन ने कहा कि शिक्षा ही सफल जीवन जीने का मंत्र है और शिक्षा ही हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है और हमें अच्छे और बुरे का एहसास कराती है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ ना भागते हुए हमें अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। और आज के इस युग में सबसे दुख बात यह है कि आज गुरु और शिष्य की भावना एक दूसरे के प्रति नहीं रही जो पुराने समय में रहा करती थी। मैं गुलशन कुमार, टिकावली विलेज, पलवली विलेज, फरीदाबाद, गुरुकुल विद्या मंदिर स्कूल के माध्यम से। सर, आज शिक्षा के स्तर को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, इस संदर्भ में आप अपने विचार व्यक्त करें। हम इसमें पेरेंट्स का और टीचर्स का होना बहुत जरूरी है, इनका दोनों का योगदान होना चाहिए। आज के क्षेत्र में विद्या के लिए हम 35 साल से इस शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और हमारा जो मेन कर्तव्य ये है बच्चों का भविष्य बनाना, ना कि बिगाड़ना। और इसके लिए दोनों की अहम भूमिका है, अभिभावकों की, टीचर्स की। और दोनों ही अगर मिलजुल करके हम सहयोग से चलेंगे तो बच्चा दिन दुगनी रात चौगुनी तक ही करेगा। सर, नैतिक मूल्यों में गिरावट जिम्मेवार कौन, शिक्षा, अभिभावक या समाज? इसके लिए हमारा समाज भी है जो जुड़ी है। हम मोबाइल इनके हाथों में पकड़ाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं देखने लायक होती वो बच्चे देखते हैं। तो सर, आज यौन शिक्षा को क्या पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? 9th क्लास से होना चाहिए, छोटे बच्चों के लिए नहीं तो बड़े बच्चों के लिए ये चीज़ जरूरी है। क्योंकि अच्छा बुरा सब बच्चे समझते हैं, छोटी उम्र से जब नेट चलाना जान जाते हैं इनको सब कुछ पता होता है। तो 9th क्लास से इसकी जानकारी होनी चाहिए।